प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े इसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे दया, हाँ? अरे चाय में कितनी शक्कर कम है, शक्कर ले गया। इसमें हंसने वाली क्या बात है? अरे माँ जो कह रही है ना, वो सुन के हंस रही हूँ। माँ कह रही है कि मीठू को कहो कि शक्कर कम खाए। कौन मीठू? आप। फिर से नया नाम मीठू। तुम्हारी माँ को मैं क्या पोपट लगता हूँ? कौए। हाँ? माँ कहती है कि आप कौए जैसे चालाक हो। अरे वो छोड़ने, शक्कर लेके आने। ये शक्कर डॉक्टर हमें मीठा खाने से मना करे, उससे पहले इंसान को खुद ही मीठा खाना कम कर देना चाहिए। बराबर है, पी ले। हेलो माँ, घर का काम हो गया? क्यों? अरे कस्तूरी ने आज भी छुट्टी ली? मेरी रुक्मणी कभी भी छुट्टी नहीं लेती है। और पता है, पूरी सोसाइटी में सभी घर में वो काम करती है और पूरी सोसाइटी की वो फेवरेट है। तो और इतने सालों से काम करती है, फिर भी अब तक उसकी एक भी फरियाद नहीं, बिल्कुल नखरा नहीं, और टाइम पर आ जाती है, एक मिनट भी लेट नहीं होती। अरे अभी तक रुक्मणी आई क्यों नहीं? माँ मैं बाद में फोन करती हूँ। अरे मेरा काम ही है सबके फिगर का ध्यान रखना। डोंट वरी, मैं हूँ ना। बेस्ट ऑफ लक। अरे कोमल भाभी, ये रुक्मणी आई है आपके घर पर? अरे वो तो पहले आपके यहाँ जाके, फिर तारक भाई के यहाँ जाकर, फिर मेरे यहाँ आती है। क्या हुआ दया भाभी, रुक्मणी आई नहीं अभी तक? नहीं। अरे ऐसा नहीं करेगी, वो रोशन भाभी के घर में काम कर रही होगी। रोशन भाभी, रोशन भाभी, रोशन भाभी, रोशन भाभी, रोशन भाभी। वो खुदा है, सूट है यू। अरे रुक्मणी आई है क्या आपके घर? नहीं, अभी तक नहीं आई। भाई वो देखो, बबीता जी आ रही है, उसको पूछते हैं, शायद उसके घर गई हो। बबीता जी। अरे बबीता जी, या रुक्मिणी आपके यहाँ आई है क्या? नहीं तो What? रुक्मिणी अभी तक आई नहीं है। ओह नो यार, आज तो मुझे बेडशीट से कर्टन धुलवाने थे। ये बबीता जी बर्तन को कर्टन बोलती है। अरे दया भाभी, कर्टन मतलब पर्दे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, पिछले 4 सालों में रुक्मिणी ने एक भी दिन छुट्टी नहीं ली। सच्ची में? अरे वो टीवी सीरियल है ना, मैं तुलसी तेरे पड़ोस के आंगन की हिम्मत है तो पानी डाल के दिखा है? इसमें पति पत्नी के झगड़े को लेकर रुक्मणी और उसके पति के बीच में झगड़ा हो गया था और रुक्मणी ने अपने पति को घर से बाहर निकल दिया था। इतना कुछ हुआ फिर भी रुक्मणी काम पर तो आती ही थी। हाँ हाँ यार, अगर ये रुक्मणी नहीं आई तो। लो आ गई मैडम। इतना लेट थोड़ी होता है रुक्मणी, तो इतनी लेट कैसे हो गई? अरे ऐसे थोड़ी होता है, बताओ तो चाहिए, मुझे टप्पू का लंच बॉक्स भी बना था। पता है मैंने कितने सारे काम निकल के रखे, गोली का होमवर्क भी लेना बाकी है, तुम्हारे भरोसे में बैठी हूँ। अरे पर बिना बताए किधर चल जाती हूँ, बोल के तो जाना चाहिए। हाँ पता है, चिवड़ा पापड़ अचार सब बनाना है आज, मुझे लगा भी अलादी पोछा भी करना पड़ेगा। अरे किधर
रुक्मणी इतनी लेट क्यों हो गई? अरे क्या बताऊं मैडम, पूछो मत आज क्या हुआ। ठीक है नहीं पूछेंगे। ऐसे कैसे नहीं पूछती, लेकिन मैं बताऊंगी ना। हाँ? पता है मैडम, सुबह में 6 बजे उठी, भगवान का नाम लिया, 25 बार गायत्री मंत्र पढ़ा। वो कहते हैं ना मैडम, मन चंगा तो कटोत में गंगा। और फिर ओ गॉड, ये 6 से 9 बजे तक के 3 घंटे का डिटेल 6 घंटे में बताएगी। हाँ एकदम बराबर है रुक्मिणी। अरे किस वजह से लेट हुए सिर्फ ये बता, वो भी 30 सेकंड में। एग्जैक्टली हाँ मैडम जी। हाँ और तुम्हारा समय शुरू होता है अब। क्या हुआ, मैं अपने घर से 7:30 पे निकली, 32, वो मेरा घर वाला है ना गणपत, उसको टाटा बाय बाय करने में 2 मिनट टाइम पास हो गया। हाँ हाँ समझ गई। हाँ फिर मैंने अपने साइकिल ली, अपने घर से निकली, वो किशोर कुमार सोसाइटी है ना उस गली से मैं निकली। हाँ। बाद में मोहम्मद रफी रोड पे आ गई। मैडम यहाँ आने की बहुत जल्दी थी ना, तो मैंने क्या किया, वो पंचम हलवाई है ना उस गली से शॉर्टकट मारा। हाँ। फिर वो हेमंत होटल वो जरा क्रॉस करके मैं मन्नाडे रोड पे आई, और वो सामने मुकेश चौक का सिग्नल, जल्दी जल्दी में मैंने सिग्नल ही तोड़ दिया। मेरा नसीब देखो ना कितना खराब मैडम, वो लता कुछ पे खड़ा था ना ट्रैफिक हवालदार, मैंने सिग्नल तोड़ा तो मेले ने मेरे साइकिल की हवा ही निकाल दी। अरे समझ गई हो गया। क्या समझे मैडम, सोचो मुझ पे क्या बीती होगी। आप सोचो कोमल भाभी, अगर आपको घर काम करने के लिए जल्दी जल्दी जाना हो और कोई मेला ट्रैफिक हवालदार आपके साइकिल की हवा निकाल दे तो आप पे क्या बीतेगी। नहीं, सोचो आप सोचो। खत्म हो गई आत्मकथा। हाँ इसे कहते हैं भैंस के आगे बीन बचाना। हाँ? हाँ? अरे रुक्मिणी तुम गलत समय पर गलत मुहावरा इस्तेमाल मत करो। हाँ। चल बेटू जल्दी आ, मेरे बर्तन पड़े हैं। नहीं नहीं पहले मेरे घर में आके पोछा लगा। नहीं नहीं पहले रुक्मिणी मेरे घर पर आती है तो पहले मेरे घर ही आएगी। नहीं नहीं पहले मेरे घर पे, मेरे घर पे आ पहले, मुझे चिवड़ा और अचार बनाने हैं। और अरे शांति रखो मैडम, शांति शांति। ये तो वही बात हुई, 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर का काम हो गया। मतलब अरे तू प्लीज गलत मुहावरा इस्तेमाल मत कर। हाँ और तू ये कहावतों पे कम और काम पे ज्यादा ध्यान दे। हाँ। अरे मैडम मैं तो काम ही की बात कर रही हूँ, आप लोग ही कब से झगड़ रहे हैं। वो कहते हैं ना कुछ नहीं कहना, पहले जल्दी काम पे आ, वैसे भी लेट हुआ है। हाँ ठीक है अब सुनो, मैं पहले दया भाभी के यहाँ बर्तन मांज के, तारक भाई के यहाँ झाड़ू पोछा करके, कोमल भाभी के यहाँ कपड़े भिगो के, बबीता मैडम के यहाँ बर्तन मांज के, बाद में माधवी मैडम के यहाँ झाड़ू पोछा करके जाऊंगी, और बाद में सबके घर के कपड़े धोऊंगी। समझ गए? अरे हाँ समझ गए। चलो अब जल्दी घर पर आओ जल्दी। हाँ आले आले मैडम जी, लग गए ताले, बहुत सारा काम पड़ा है। चलो अच्छा रुक्मिणी ये क्या है? ये वो चंपक बाबू जी है ना उनके लिए दातुन। ठीक है बाबा जल्दी से घर पे आ जाओ, मैं और वेट नहीं कर सकती। हाँ फटाफट काम करके आती हूँ मैं। आलेखनी भाई कहाँ रख दिए 10,000? अरे किधर जाना तुझे, एक बाजू रहना भाई, इधर जाते इधर आती, उधर जाते उधर जाते। नॉनसेंस, खबरदार जो रुक्मिणी को नॉनसेंस बोला तो, खबरदार जो रुक्मिणी को डांटा तो, खबरदार जो रुक्मिणी के बारे में अनाप शनाप बोला तो। आपको मुझे डांटना हो तो डांटिए, पर रुक्मिणी को नाराज किया तो आपको मेरा गुस्सा मालूम नहीं है। अरे रुक्मिणी क्या है वो आपको क्या पता। नहीं नहीं बाथरूम में कपड़े रखे तू वो भिगो दे, जा तू, इससे तो मैं नहीं पड़ती हूँ। अरे मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मुझे। देखिए आपको मुझे जितना डांटना उतना डांटिए, लेकिन आपकी डांट से रुक्मिणी को गुस्सा आ जाता और वो काम छोड़कर चली जाती तो सोचिए घर में कितनी सारी परेशानी होती।
मेरी माँ कहती है कि अच्छे दामाद तो रास्ते से भी मिल जाते हैं, लेकिन अच्छी काम वाली बहुत नसीब वालों को मिलती है। आज जिंदगी में पहली बार मैंने टप्पू के पापा के सामने ऊंची आवाज में बात की है, मुझे माफ कर देना। आप भी मुझे माफ कर दीजिए ना, प्लीज रिक्वेस्ट। मेंशन नोट। भाई ये बता, तूने 10,000 देखे? हाँ बहुत बार देखे। मुझे ये भी मालूम है कि मैंने पहली बार 10,000 कब देखे थे। शादी के पहले जब गरबा स्पर्धा में मैं थी ना, तब मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था और तब मुझे 10,000 रुपए मिले थे। और हो गया, मैं शादी के 12 साल बाद की बात कर रहा हूँ। कल रात को दुकान से मैं 10,000 रुपए लेकर आया था, वो 10,000 तुमने देखे? आपने पैसे मुझे दिए थे? नहीं। तो फिर मुझे कैसे पता? दया भाभी, हाँ? ये पैसे रह गए थे साहब जी की पैंट में। अरे वाह, मिल गए, थैंक यू। अरे रुक रुक मणि, अरे इसको बख्शीश तो दो। ये ले रुक्मणी, ये ले, खुश रहे। ये क्या, 10 रुपए? अरे कम से कम 100 रुपए तो दीजिए। हाँ ये ले। अरे नहीं नहीं दया भाभी, मैं तो बस अपनी मेहनत का पैसा लेती हूँ। वो कहते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। मैं भली और मेरा काम भला। वाह हाँ। वाह, कितने अच्छे संस्कार है रुक्मणी के। सीख सीख उससे सीख। रुक्मणी, जब से अंजलि गई है ना, ता भाभी ने मेरे पेट पूजा का और तुमने घर का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा है। अरे साहब जी, काम ही तो मेरी रोजी रोटी है, काम ही तो मेरी पूजा है। काम नहीं करूंगी तो हमारा घर कैसे चलेगा? और हमारा घर भी। अरे साहब जी, वो कहते हैं ना, काम का ना काज का, दुश्मना नाश का। है? ये कहावत? छोड़ो छोड़ो छोड़ो, तुम जो कहावत चाहो बोलो, हक है तुम्हें। क्योंकि अंजलि मुझे कह के गई है कि रुक्मणी को कभी मत डांटना, और डांटना तो छोड़ो, टोकना भी मत। अग्गो भैया। अरे ओहो, माय डियर डार्लिंग अंजलि, कैसी है हुजूरे आला? हाँ 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 हाँ, अरे रुक्मणी है यहाँ। अच्छा अंजलि, मैं क्या कह रहा था, अरे आती है भाई, रोज टाइम पे आती है। एक रात को क्या हुआ जब तू यहाँ नहीं थी? अरे रुक्मणी, आई मीन अंजलि, रुक्मणी रोज आती है, बराबर आती है, कल भी टाइम पे आएगी बाबा। रुक्मणी, तुम्हारी मेम साहब भी है ना, मेरे बारे में जानने के लिए ज्यादा इच्छुक नहीं है, तुम्हारी बातें कर रही है वो। अरे साहब जी, वो कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेस। खैर छोड़। हाँ अंजलि, क्या तुम आ रही हो? कमाल है, अंजलि जी वापस आ रही है मैके से। अरे इतनी जल्दी क्यों है? अभी 2 ही तो महीने हुए। रुक जाओ थोड़े दिन और रुक जाओ। अरे जस्ट जोकिंग अंजलि, मुझसे ज्यादा कौन खुश होगा अगर तुम आ रही हो तो। ये सोचो कि ये 2 महीने कैसे काटे, मैं ही जानता हूँ। टेक केयर, ओके बाय। अरे ध्यान से भाई, उस तस्वीर को ध्यान से साफ करो, तुम्हारी और मेरी, हम दोनों की मालकिन है वो। वैसे एक बात बोलूं रुक्मणी। जी साहब जी। तुम गोकुल धाम सोसाइटी की औरतों की रीढ़ की हड्डी हो। मतलब? तुम अगर काम छोड़ दो तो सब की सब अपाइज हो जाए। क्या साहब जी, एक बात बोलूं साहब जी। हाँ। आप भी ना बिल्कुल मेरे ससुर जी जैसे हो। क्या मतलब रुक्मणी, मैं तुम्हें क्या बूढ़ा नजर आता हूँ? वो फिल्मों में कॉमेडियन हंसाता है ना, वैसे ही हंसाते रहते हो। अरे हाँ सुनिए, आप दोपहर में घर में है ना? हाँ क्यों? नहीं वो सोनू स्कूल से आएगी तो उसे खाना खिला देंगे प्लीज। क्यों, तुम कहाँ जा रही हो? अरे वो सोसाइटी के सब लेडीज लोगों ने प्रोग्राम रखा है, आज शॉपिंग मॉल में जाएंगे हम लोग। हेलो, हाँ मैं माधवी बोल रही हूँ। अच्छा नीता बहन, एक मिनट, हाँ एक मिनट, हाँ एक मिनट होल्ड कीजिए, एक मिनट। हाँ भैया, एक मिनट। हाँ हाँ बताइए, क्या यश सोसाइटी? हाँ
महावीर नगर, हाँ कांदिवली ना, हाँ। अच्छा कितने किलो की ऑर्डर है? अगो भाई नहीं सॉरी सॉरी, हाँ कितना? 100 किलो। हाँ हाँ परसों शाम तक मिल जाएंगे आपको। हाँ हाँ ओके, हाँ थैंक यू थैंक यू। आहो ऐकलं का? हाँ सुना मैंने, अभिनंदन अभिनंदन, वो जरा पेन देना प्लीज। हाँ आहो देवा, रोज रोज ऐसी ऑर्डर मिले ना तो 6 महीने में मैं आपके लिए नई स्कूटर खरीद लूंगी। नहीं नहीं माजी, मेरे पास स्कूटर तो है पहले से। तुम एक काम करो, इसको ना तुम बैग में डालो, सेविंग करो सेविंग। अरे कैसी हो गई है वो स्कूटर, खटारा। सोसाइटी के गेट में से आते आते इसे धक्का मारते मारते कैसे लगता है? वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हा? मैं आपके लिए स्कूटर ही खरीदूंगी। अच्छा रुक्मिणी तू ना कल जल्दी आ, आते ही लादी पोछा बर्तन सब काम करना, सोनू को स्कूल में पहुंचाना और मार्केट में से आते आते 100 प्लास्टिक की थैलियां लाना। लेकिन भाभी कल मैं तो छुट्टी लेने वाली हूँ। ओगो भाई रुक्मिणी तू कल छुट्टी नहीं ले सकती है, मैं इतने सारे काम कैसे करूँगी अकेले? अरे भाभी लेकिन कल काम है, मुझे जाना होगा, मुझे ना कल म्यूनिसिपैलिटी में जाना है, वो मेरा बच्चा है ना उसका बर्थडे सर्टिफिकेट लेना है वहाँ से। अरे ये देखो ना क्या बोल रही है, आप समझाओ ना उसे कुछ प्लीज। हाँ एक मिनट, मैं जानता हूँ वो गलत बोल रही है। हाँ। हेबा रुक्मिणी चुकी से, बर्थडे सर्टिफिकेट नहीं होता है, बर्थ सर्टिफिकेट होता है। हाँ भाभी वही लेने जाना है। हाँ वो नहीं, वो छुट्टी ले रही है कल। तो मैं क्या करूं? अरे आप समझाओ ना उसे कुछ। अरे मैं क्या समझाऊं माधवी, तुम जानो। अरे अरे रुक्मिणी तुझे छुट्टी लेने की जरूरत ही नहीं है। अरे सोनू के पापा है ना, उनकी म्यूनिसिपैलिटी में बहुत पहचान है, यो 2 मिनट में तुझे सर्टिफिकेट लाके देंगे वो, है ना? ये कुछ भी क्या, मैं नहीं जाने वाला सर्टिफिकेट लाने के लिए। अरे देखिए सर्टिफिकेट ही लाना है ना, थोड़ी सर पे बोझ उठा के लाना है, प्लीज इतना सा काम नहीं कर सकते हो मेरा? हाँ नहीं कर सकता। बस मैं नहीं कर सकता मतलब नहीं कर सकता। फिर मैडम मेरे को जाना ही पड़ेगा। ठीक है रुक्मिणी तू कल छुट्टी ले ले। हाँ थैंक यू मैडम। वेरी गुड, मैं पूरा दिन पापड़ बनाऊंगी। वेरी गुड, और आप घर का खाना बनाना, बर्तन मांजना, लादी पोछा और बाकी सब काम आप करेंगे। क्या? हाँ रुक्मिणी छुट्टी पे जाएगी तो क्या होगा? हे भगवान, रुक्मिणी का घर में काम करना बहुत जरूरी है, हम इतने आश्रित हो गए हैं हमारी हेल्प के लिए कि हमारी कोई मदद करे काम करने में, बर्तन कोई मांज दे, कपड़े कोई धो दे, घर की सफाई कोई कर दे, हम खुद कुछ नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि कोई हमारा काम दूसरा कर दे, हम टीवी का चैनल बदलने तक को नहीं उठना चाहते, रिमोट हमारे हाथ में होना चाहिए, ताली बजाएं तो लाइट जल जाए, हाथ हिलाएं तो पंखा चल जाए, हम चाहते हैं कि सब कुछ बैठे बिठाए हो जाए, और अगर सब कुछ बैठे बिठाए हो जाएगा तो आपको बहुत सारे तोहफे मिलेंगे, तोहफे मिलेंगे डायबिटीज के, तोहफे मिलेंगे ब्लड प्रेशर के, तोहफे मिलेंगे बीमारियों के, इसलिए हमारे बुजुर्गों ने बहुत ठीक कहा है, परिश्रम सबसे बड़ी चीज है, मेहनत कीजिए, पसीना बहाइए और फिर देखिए आपके चेहरों पर जो मुस्कुराहट आएगी वो कैसे ठहाकों में तब्दील होगी, और नहीं होगी तो हम करेंगे ना तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.